मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आपातकालीन एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कर संबोधित किया। देवी सज्जनों, आप सभी की गदगद ध्वनि के बीच मंच पर स्वागत करते हैं अपने हमारे आखिरी सत्र में, इस समापन सत्र में। और देवी सज्जनों, जो कि एक प्रतिबद्धताएं, जो गहन चर्चाएं की गई हैं, जो साझेदारियाँ यहाँ पर सामने, आज एयर एम्बुलेंस सेवा का भी उद्घाटन। तो आप देखें कि एक तरफ कहाँ हम बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ चर्चा विचार विमर्श में हैं, और साथ में उसी, यह भी पहली बार आपको देखने में इस तरह का मिला होगा कि बातें नहीं, सीधे या तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज फैक्ट्रीज की, या फिर उसमें उसको लोकार्पित करने का कार्यक्रम, या फिर उनको एयर एम्बुलेंस सेवा का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। एम्बुलेंस सेवा का यहां पर शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के कर कमलों द्वारा, और यहां पर इसका शुभारंभ होते ही अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये है, जिसके अंतर्गत एक हेली एम्बुलेंस और एक फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग आईसीयू विमान प्रदेश के सभी जिलों और प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात रहेंगे। आईटेट एयर एम्बुलेंस सर्विस द्वारा संचालित इस सेवा में उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक टीम होगी, जो कि फ्लाइंग डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश, इस कार्यक्रम के तहत ऐसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका हम अभी जो आपने कार्यक्रम जो किया है वो मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ कार्यक्रम है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक अवसर है उद्योगपतियों के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए, व्यापारियों के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, कि वो उज्जैन में और उज्जैन के आसपास अपना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे उज्जैन, जो महाकाल के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है, तो लोग जब यहाँ आए तो जय महाकाल के दर्शन भी करें और अपने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के भी अवसर पैदा करें, इसके लिए ये मीट। आपका एक समय मान लो बिजली के आमंत्रण का, दूसरा समय मान लो, तीसरा आपने कंप्यूटर से जोड़ा, चौथा आपने वर्तमान के एआई के जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से जोड़ा, लेकिन ये हमारे जो उद्योगपति या इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए हमने हवाई का भी एक मात्र खोला है, हवाई का मार्ग खोल करके भविष्य में अपने देश में तो इन्वेस्टमेंट करें ही करें, यहाँ से अंतरिक्ष तक का पूरा गगनयान के माध्यम से कहाँ तक जाना चाहिए। और ये जो सुविधाओं को देकर के बात हुई है, आज हमने कहा कि इसीलिए किसी भी मनुष्य की अगर प्राण बचाए, उसके कष्ट में हाथ बढ़ा दें। मैं जानता हूँ विक्रमादित्य का एक गुण ये भी था कि उनके सामने ऐसे कई मौके आए, बहुत सारी कथाएं चलती, लेकिन व्यक्ति के लिए अपने प्राण को हथेली में रख करके सहजता के साथ उसके साथ सामने पहुंच जाए। इसकी एक छोटी सी कहानी कह करके मेरे अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा। विक्रमादित्य और राजा भोज दोनों के किस्से ऐसे मानते कि विक्रमादित्य ने जो जीवन में किया है, बाद के काल में हर राजा विक्रमादित्य बनना चाहता था कि मैं विक्रमादित्य के समान, जिसने पुरुषार्थ पराक्रम और अपनी कुछ उपलब्धि हासिल की वो अपने आप को विक्रम के समकक्ष मानता है।